नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, खबर जुड़ी हुई है वसई के नायब तहसीलदार प्रदीप दामोदर मोकणे और मंडल अधिकारी संजय सोनावणे, जो कि पिछले दिनों एंटी करप्शन की रेड में गए थे, उनकी बेल को लेकर। पिछले 4 जुलाई को एसीबी ने ट्रैप किया था और ट्रैप में ये दोनों अधिकारी 4 लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की मांग करते हुए, कुल 4 लाख रुपए की मांग करने के ट्रैप में फंसे थे। और तब से अलग अलग दिन आर्ग्यूमेंट हुए, सब कुछ हुए कोर्ट में। पहले कोर्ट ने 4 दिन की पीसी दी, फिर 2 दिन बाद, फिर एक दिन ऐसे करते हुए 14 तारीख को कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुआ और 15 तारीख को कल कोर्ट ने फाइनल ऑर्डर निकाला। दोनों ही लोक सेवकों की बेल ग्रांट कर दी गई, जमानत मंजूर कर दी गई। लेकिन इस बेल में कोर्ट ने कहीं क्लोज ऐसे डाले हैं जिनका इनको पालन करना होगा। आपको बता दें कि 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 50,000 रुपए की सिक्योरिटी के ऊपर की बेल इनको ग्रांट हुई है। उसके अलावा इनको हर सोमवार को एसीबी के सामने हाजिर होना पड़ेगा। वहीं इनको अपना पासपोर्ट जो है वो सबमिट करना होगा। देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं, ये पाबंदी रहेगी। इसके अलावा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने किसी केस से जुड़े हुए गवाह को ये टेम्पर नहीं कर सकते, नहीं तो इनकी बेल रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा उसमें क्लोज है। और कहीं ना कहीं इनको राहत जरूर मिल गई है, बेल जरूर मिल गई है, बाहर जरूर आ गए। लेकिन कोर्ट ने यह साफ मेंशन किया है कि हर सोमवार को आपको एसीबी के दफ्तर में हाजिरी देनी है। उसके अलावा जब कभी एसीबी आपको राइटिंग में पत्र देके बुलाती है तब भी आपको जाना है। यानी कि अभी भी एसीबी की जो जांच है उससे ये लोग मना नहीं कर सकते, इनको हाजिर होना ही है और सोमवार को तो कंपल्सरी हाजिरी देनी है। तो कहीं ना कहीं वसई के अंदर कई दिनों से लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि भ्रष्टाचार क्या अब खत्म होगा, तो माननीय न्यायालय ने यह ऑर्डर दिया है। और इसके बाद में कहीं ना कहीं लोक सेवक जो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त होते और भ्रष्टाचार को अपना हक समझते हैं, उनको सबक जरूर मिलेगा। हालांकि मामला अब कानूनी प्रक्रिया है, उसके बारे में ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। फिलहाल इतना ही कि ये अपडेट जो सामने आई थी, मैं को अब वही अपडेट बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि इनको जमानत जरूर मिली है लेकिन मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। और साथ ही साथ आपको मालूम ही है कि तहसील कार्यालय पूरा का पूरा वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो वो भी अभी भी एसीबी की रडार पर है, ऐसा कहां जाए, तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है। अब रही बात, देखना यह है कि कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया लेकिन शासन प्रशासन क्या एक्शन लेता है, वो एक बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जब कोई भ्रष्ट अधिकारी इस तरह से, लोक सेवक जब कभी किसी केस में एंटी करप्शन के रेड में रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो उसके बाद उसकी निलंबन की कार्यवाही होती है और वो वापिस उस जगह पर नहीं आना चाहिए जहां पर वो था पदस्थ। लेकिन अभी तक इस मामले में पालघर जिलाधिकारी कार्यालय हो या कहीं से भी हो, निलंबन का कोई पत्र अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि इनका निलंबन किया गया है। हालांकि ऐसा नियमानुसार निलंबित अधिकारी की श्रेणी में वो है ही, लेकिन तब भी दूसरे किसी अधिकारी को अभी यहां पर बिठाया नहीं गया है। प्रांत अधिकारी के जो नायब तहसीलदार है उन्हीं को एडिशनल चार्ज दिया गया है अभी, तहसील का दीपक गायकवाड़ को उनको एडिशनल चार्ज दिया गया और वही अभी तहसील कार्यालय में नायब तहसीलदार का पदभार अतिरिक्त चार्ज के साथ संभाल रहे हैं। वहीं मंडल अधिकारी का अभी किसी को चार्ज दिया गया है, इसकी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। तो अब जल्द से जल्द इन दोनों पदों को शासन को भरना चाहिए ताकि यहां के छोटे लोगों को जो तकलीफें हो रही है, परमानेंट अभी तो अतिरिक्त चार्ज है दीपक गायकवाड़ के पास,
लेकिन परमानेंट अधिकारी कोई आएगा तब यहाँ के जो लोगों को दाखले में उसमें जो दिक्कतें हो रही है उससे निजात मिल पाएगी। और सिर्फ दाखले ही नहीं, कई प्रलंबित मामले भी है उनमें भी लोगों की सुनवाई और वो हो पाएगी समय पर। तब देखते हैं कि इस बारे में कब शासन प्रशासन निर्णय लेता है। तो इसकी इंतजारी सबको रहेगी। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।